नमस्कार दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मौसम को लेकर झारखंड में जानलेवा हुई गर्मी, अब तक 13 लोगों की मौत, आज भी तेज लू चलने के अलर्ट। झारखंड में गर्मी जानलेवा हो गई है। यहां बीते 24 घंटे में गर्मी और लू से 13 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 7 पलामू के हैं। धनबाद के 2 लोगों की जान चली गई है। रामगढ़, दुमका, जमशेदपुर व रांची के खलारी में एक एक की जान गई। इस बीच गोड्डा का तापमान शनिवार को 46 डिग्री पार कर गया। यहाँ पारा 40.5 डिग्री पर रहा। हालांकि रांची को राहत मिली है और पारा 41 से थोड़ा नीचे आ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में 20 जून से बारिश होने की उम्मीद है। कामो में शनिवार को एक रोजगार सेवक साकिर हुसैन सहित 2 की मौत गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ने से हो गई। शुक्रवार को जिले में 5 मौत हो गई थी। वही रामगढ़ में CCL में करियर सुरक्षा कर्मी मानव देवी की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि ड्यूटी के दौरान गर्मी से उनका BP बढ़ गया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। वो बाद में उसकी मौत हो गई। इधर दुमका में लू से SSB जवान प्रमोद कुमार की मौत हो गई। वहीं धनबाद में निलसा में एक हाईवा चालक निमाय गोराय की लू लगने से मौत हो गई। वहीं देर शाम धनबाद पुलिस लाइन में गश खाकर गिरे जवान की भी जान चली गई। पूर्वी सिंहभूम में घाट शिला के एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। गोड्डा में शनिवार को भी राज्य में सबसे ज़्यादा गर्मी रहा। यहाँ तापमान 46.5 डिग्री पर रहा। हाल यह है कि दिन के 8 बजे के बाद से ही गर्मी झुलस रही थी। वही मोदनी नगर का पारा 44.8, देवघर का 44.7 और रामगढ़ का 46.4 डिग्री पर रहा। रांची में पारा 40.8 डिग्री पर रहा। राज्य में रात की गर्मी बढ़ गई और हवा गर्मी के कारण बहुत तापमान बढ़ गया था। मौसम विभाग ने पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम में 18 से 19 जून को लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सिमडेगा, खरसवां, गढ़वा, पलामू, चतरा के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि शेष के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची में भी आज लू का आसार है। भीषण गर्मी के बीच राज्य में बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राज्य को शनिवार के पूरे दिन बिजली की उपलब्ध मांग को लेकर बराबर रही, लेकिन स्थानीय खराबियों के कारण ब्रेकडाउन व लो वोल्टेज की समस्या बढ़ गई है। रांची में भूमिगत केबल जल जाने के कारण घंटों कटौती से लोग बिलबिला गए हैं। भीषण गर्मी और लू के चलते पड़ोसी सूबे बिहार में पिछले 24 घंटे में 44 लोगों की मौत हो गई। 35 मौतें पटना के 2 बड़े अस्पताल में हुई। इसमें 19 की मौत NMCH में जबकि 16 की मौत PMCH में हुई। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिले में 9 लोगों की जान चलेगी, दर्जनों लोग बीमार भी हुए हैं। ऐसे ही पल पल की सबसे बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी रिकमेंड पर जरूर दे, सतर्क रहे, अटल रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।